भारत और वेस्टइंडीज के बीच पांचवा एक दिवसीय वनडे इंटरनेशनल मैच तिरुवनंतपुरम में खेला जा रहा है, जहां पर वेस्टइंडीज के कप्तान जेसन होल्डर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वेस्टइंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही और दो रन पर वेस्टइंडीज को दो बड़े झटके लग गए। इसके बाद वेस्टइंडीज थोड़ा पारी को संभाल ही रहा था कि रविंद्र जडेजा को विराट कोहली बॉलिंग पर ले आए और रविंद्र जडेजा ने मार्लन सैमुअल्स का सबसे बड़ा विकेट छटक दिया। और अब वेस्टइंडीज को सबसे बड़ा झटका लगा है शिमरॉन हेटमायर के रूप में। जी हाँ, बता दें आपको कि हेटमायर को जडेजा ने LBW आउट किया है। हेटमायर जो इस सीरीज में वेस्टइंडीज के लिए सबसे खतरनाक बल्लेबाज दिख रहे थे, वो अब आउट हो चुके हैं। इसी बीच वेस्टइंडीज का विकेट 56/4 हो चुका है और अब देखना दिलचस्प होगा कि वेस्टइंडीज की टीम यहाँ से और कितना स्कोर बना सकती है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष की रिपोर्ट।